जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने YouTube चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एकदम नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है पेपर परांठा। ये जो परांठा होता है बहुत पतला होता है, इसमें स्टफिंग बहुत सारी भरी जाती है, इसलिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा यूनिक तरीका है पर बनाना काफी आसान है, इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे फायदा ये होगा कि जब भी कभी नया वीडियो डलेगा आप लोगों को तुरंत से पता चल जाएगा। तो बहुत जल्दी से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपने ये पेपर पराठा बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल पेपर पराठा बनाने के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है। आटा मैंने 1.5 कप के करीब लिया है। आपको जितने भी आटे की रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही आटा ले सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना नमक, 2 टेबलस्पून जितना देसी घी। घी, नमक और आटे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। दही और घी डालने से हमारा जो डो लगेगा बहुत अच्छा लगेगा और परांठे काफी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आप ये परांठा सर्दियों में बना रहे हैं तो गुनगुने पानी के साथ, और अगर गर्मी में बना रहे हैं तो नॉर्मल पानी के साथ इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। और ये सेमी सॉफ्ट डो हमारा लगकर तैयार हो चुका है और इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट होने छोड़ देंगे। पेपर पराठे की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 5-6 मीडियम साइज के आलू। ये जो पेपर पराठा होता है बहुत पतला होता है लेकिन इसमें स्टफिंग बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए मैंने काफी सारे आलू लिए हैं। साथ ही हमें जरूरत होगी प्याज की, और ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। आलू को छील लेंगे और कद्दूकस कर लेंगे, या आप बारीक फोड़ भी सकते हैं और इस तरीके से प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। आलूओं को मैंने छील लिया है और इसके बाद एक आलू मशीन लेकर हम आलूओं को बारीक बारीक फोड़ लेंगे। पेपर पराठे में आप जो आजकल गीले आलू आते हैं उन आलूओं को भी डाल सकते हैं और उनसे भी ये आराम से बन जाते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया ये कटा हुआ प्याज जिसे एकदम बहुत बारीक काटा है, 3-4 हरी मिर्चें जिसे एकदम बारीक काट लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कम या ज्यादा, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर, और ये जीरा कच्चा ही है इससे इस पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी जिसे हाथ से क्रश कर लेंगे। हम ढाबा स्टाइल पेपर पराठा बना रहे हैं इसलिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना खड़ा धनिया और इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और लास्ट में डाल देते हैं हरा धनिया और इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आलू का कोई ज्यादा मोटा टुकड़ा है तो उसे आप हाथ से तोड़ लें। स्टफिंग भी तैयार है और जो हमने आटा रखा था वो भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। एक बार इसे और मसल लेते हैं जिससे और अच्छा चिकना हो जाएगा। और इसमें से हम पूड़ी से भी कुछ छोटे छोटे लोए तोड़कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक पेड़ा लिया, सूखे आटे में कोट किया और उसे हम बेल लेंगे। और इसे मैंने एक पूड़ी से कुछ बड़ा बेल लिया है और इसमें हम हल्का सा देसी घी अप्लाई कर देंगे, रोल बनाएंगे। और इस तरीके से कवर कर देंगे। एक और बेल लिया और उसमें भी हल्का सा देसी घी लगा देंगे। और इस तरीके से एक पराठे के लिए हमारे 2 पेड़े बनकर तैयार हैं। और उस पेड़े को फिर से सूखे आटे में कोट किया और उसे बेल लेंगे। और ये दोनों पेड़े मैंने बेलकर तैयार कर लिए हैं। और ये मैंने लिए बहुत सारी स्टफिंग क्योंकि इसमें स्टफिंग का ही मेन टेस्ट होता है। और इसे अच्छे से हम चारों तरफ फैला देंगे, दूसरे पराठे से कवर करेंगे, साइडें सील कर देंगे।
हल्के से प्रेस करते जाएंगे, एक बार पलटकर दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से प्रेस कर देंगे। इसे सूखे आटे में अच्छे से कोट कर दिया है और अब हम इसे काफी बड़ा बेल लेंगे। हमने बिल्कुल पूड़ी जितनी लोइयां ली थी और पराठे को इतना बड़ा बेल लिया है, इसीलिए इस पराठे का नाम पेपर पराठा है। लेकिन अब ये किस तरीके से बनेगा ये आप देखते जाइए। गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रख दिया है और तवा जैसे ही गर्म होता है उसके ऊपर हम ये पराठा प्लेस कर देंगे। 30 से 40 सेकंड बाद जैसे ही पराठा ऊपर से हल्का सा ड्राई होता है हम पराठे को टर्न कर देंगे और जैसे ही पराठा दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर लेता है हम पराठे की ऑयलिंग कर देंगे। आप चाहे तो इस पराठे को रिफाइंड के साथ सेक सकते हैं और आप चाहे तो देसी घी के साथ सेक सकते हैं। मैं इसे देसी घी से सेक रही हूँ। पराठे में दोनों तरफ मैंने अच्छे से घी लगा लिया है। अब एक बार और टर्न कर देते हैं। पराठे में दोनों तरफ अच्छा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक परत है हम इसे अलग कर देंगे और हमने दो परत का पराठा बनाया था इसलिए ये बहुत आराम से अलग हो जाएगी। ये देखिए। और इसके बाद हम पराठे में थोड़ा सा देसी घी या बटर अंदर की साइड अप्लाई कर देंगे, एक टेबल स्पून टमाटो केचप वो भी अच्छे से फैला देंगे। आप हरे धने की चटनी डाल सकते हैं, मीठी चटनी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो आप लगा सकते हैं इसमें। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। और इसके बाद पराठे को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और देखिए बहुत ही पतला पर बहुत ही टेस्टी हमारा ये पेपर पराठा बनकर तैयार हो गया है। इसे तो प्लेट में निकाल लेते हैं और अब लेते हैं जो ऊपर वाली परत हमने अलग करके रखी थी और उस पर भी बहुत अच्छे से हम टमाटो केचप फैला लेंगे और साथ ही इसके ऊपर भी हम पनीर अप्लाई कर देंगे। इसे भी फोल्ड कर देते हैं। और देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा ये पेपर पराठा बनकर तैयार हो गया है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा पतला है, स्टफिंग बहुत सारी है इसलिए खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, एकदम अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी हमारे ये पेपर पराठे बनकर तैयार हैं। इस रेसिपी को आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से बना हुआ हमारा ये पेपर पराठा बनकर तैयार है। इसे बनाना जितना अलग है सर्व करने का तरीका भी उतना ही यूनिक है। रेसिपी और तरीका आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लेके। Thank you.